Hello children, in this video we will cover the question and answer and some other exercise from the chapter announcement from class 5th Maharashtra board. Bachcho, in sari announcement ka explanation Hindi aur English mein maine chapter explanation mein kiya hai aur uska link niche description box mein hai. Kindly go through this link and check the explanation for more clarification. Question number 1. Choose a suitable heading for each announcement from those given below. So, बच्चों, हमने इस चैप्टर में 6 अनाउंसमेंट पढ़ी हैं तो उनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कुछ हेडिंग्स दिए हैं. अब हमें उन अनाउंसमेंट और इन हेडिंग्स को मैच कराना है और जो हेडिंग अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल है उस अनाउंसमेंट को वो हेडिंग देनी है. फर्स्ट हेडिंग है चेंज इन स्कूल आवर्स. बच्चों, आपको कौन सी अनाउंसमेंट याद है? यस, टुमारो दैट इज ऑन द 10th ऑफ जुलाई स्कूल विल बी क्लोज एन आवर अर्लियर एज द टीचर हैव टू अटेंड एन इम्पॉर्टेंट पीटीएम मीटिंग. सो प्लीज इन्फॉर्म योर पेरेंट्स टू अरेंज टू पिक यू अप एट 2 PM इंस्टेड ऑफ 3 PM. तो बच्चों, ये वाली जो हमारी अनाउंसमेंट थी इसकी जो हेडिंग होगी वो होगी चेंज इन स्कूल आवर्स. बच्चों, जो सेकेंड हेडिंग है वो है क्लीननेस, मतलब सफाई. तो इसके लिए कौन सी वाली अनाउंसमेंट होगी बच्चों? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व बाय द हेड बॉय एंड हेड गर्ल दैट सर्टेन क्लासेस डू नॉट क्लीन अप देयर क्लासरूम्स बिफोर लीविंग. इफ एनी क्लास इज फाउंड अनटाइडी एंड लिटर्ड आफ्टर स्कूल दैट क्लास विल बी डिटेन्ड द नेक्स्ट डे आफ्टर स्कूल आवर्स अप टू 4 PM. प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस. तो बच्चों, ये वाली नोटिस अनाउंसमेंट होगी जिसमें बोला जा रहा था कि अगर बच्चों ने अपनी क्लास को गंदा छोड़ के वो जाते हैं तो नेक्स्ट डे उन्हें 4 बजे तक स्कूल में रुकना पड़ेगा एज अ पनिशमेंट. ये अनाउंसमेंट आपके चैप्टर की सबसे फर्स्ट अनाउंसमेंट है और इसकी हेडिंग होगी क्लीनिनेस, सफाई. थर्ड हेडिंग है बच्चों स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन, कहानी सुनाने की प्रतियोगिता. तो इसमें कौन सी अनाउंसमेंट आएगी बच्चों? यस, द स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड अ स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन फॉर क्लासेस 5th, 6th and 7th फ्रॉम 21st टू 25th ऑफ जुलाई. द कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड इन द स्कूल हॉल एट 10 इन द मॉर्निंग. चिल्ड्रन मे सेलेक्ट अ फेबल, अ फोक टेल, अ फेरी टेल, अ ट्रू स्टोरी, अ फनी स्टोरी. 3 prizes will be given for each category. The time limit is 3 to 5 minutes. Those who wish to participate may contact Mrs. Sanjana Mohite for other details. They must register their names with her before the 16th of July. Ye announcement aapke chapter ki 4th announcement hai aur iski heading hogi storytelling competition. Jo 4th heading hai bachcho wo hai lost and found. खोया और पाया. और इसके लिए कौन सी अनाउंसमेंट होगी बच्चों? अ साइकिल की विथ अ ब्लू की चेन हैज बीन फाउंड ऑन द ग्राउंड. हूएवर हैज लॉस्ट इट कैन कॉन्टैक्ट द क्लर्क मिसेस नीना पिंटो एंड सी इफ इट बिलोंग्स टू हिम और हर. इस अनाउंसमेंट की जो हेडिंग होगी वो होगी लॉस्ट एंड फाउंड, क्योंकि इसमें की चेन के खोने की बात हो रही है. और ये अनाउंसमेंट आपके चैप्टर की सबसे लास्ट 6th नंबर की अनाउंसमेंट है. 5th हेडिंग है बच्चों वार्निंग, मीनिंग चेतावनी. यस, कंस्ट्रक्शन वर्क टू एक्सटेंड द स्कूल बिल्डिंग विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक. ऑल स्टूडेंट्स आर कॉशन नॉट टू क्रॉस ओवर द फ्रेंच एट द कंस्ट्रक्शन साइट. इट इज डेंजरस एंड मे कॉज यू द इंजरी. प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द फेंस. अनाउंसमेंट में बच्चों एक चेतावनी दी जा रही है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे ना जाए, इसीलिए इसकी हेडिंग होगी वार्निंग. 6th हेडिंग है बच्चों फुटबॉल मैच. ऑन संडे 12th July 2015 देयर इज अ फुटबॉल मैच बिटवीन क्लासेस 8th to 9th ऑन द स्कूल. द मैच विल बी बिगिन एट 9 AM. ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू कम एंड चीयर देयर फेवरेट टीम. प्लीज कम ऑन टाइम सो दैट द प्लेयर्स आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड. सो बच्चों, ये अनाउंसमेंट किसके रिलेटेड है? ये अनाउंसमेंट स्कूल में फुटबॉल मैच के रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 2.
प्रेजेंट इन वन ऑफ दीज अनाउंसमेंट योरसेल्फ ओरली। ओरली मीन्स बच्चों मुंह से बोलना। तो हमने इस चैप्टर में और क्वेश्चन एंड आंसर में 6 अनाउंसमेंट पढ़ी हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि इनमें से जो ये 6 अनाउंसमेंट हैं उनमें से कोई भी एक अनाउंसमेंट आप प्रिपेयर करो और अपनी क्लास में उसको प्रेजेंट करो। क्वेश्चन नंबर 3 ग्रुप वर्क। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ग्रुप वर्क करना है। 1 एन अनाउंसमेंट कैन बी मेड इन एवरी क्लास ओरली और इट कैन बी पुट ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। डिस्कस एंड डिसाइड व्हाट मेथड शुड बी यूज फॉर ईच ऑफ द अनाउंसमेंट गिवन हियर। तो बच्चों अनाउंसमेंट में क्या होता है कि कभी कभी कोई आपका सीनियर आके या कोई आपका कंसर्न टीचर आके आपको कोई भी नोटिस के बारे में बताता है, या कभी कभी अनाउंसमेंट क्या होती है कि आपके स्कूल में जो नोटिस बोर्ड बना होता है उसके ऊपर चिपका दी जाती है। डिस्कस एंड डिसाइड व्हाट मैटर शुड बी यूज फॉर ईच ऑफ द अनाउंसमेंट गिवन हियर। तो हमें बच्चों डिस्कस करना है और फिर हमें ही ये डिसाइड करना है। डिसाइड मतलब तय करना कि कौन सा मेथड होगा ये जो भी हमें 6 अनाउंसमेंट दी गई हैं उनके लिए। ओरल अनाउंसमेंट कि कौन सी हम अनाउंसमेंट को सिर्फ मुंह से भी बोलते तो चलेगा, रिटन नोटिस, या कौन सी अनाउंसमेंट को हमें रिटन नोटिस देना चाहिए, या बोथ, या जो भी ये अनाउंसमेंट है उनमें से कौन सी अनाउंसमेंट को हमें ओरल भी देना चाहिए और रिटर्न भी देना चाहिए। फर्स्ट अनाउंसमेंट चेंज इन स्कूल आवर्स। स्कूल के जो भी आवर्स हैं वर्किंग आवर्स हैं उनमें चेंजेस, ये अनाउंसमेंट बच्चों रिटर्न नोटिस होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को पूरी बात समझा नहीं पाते या वो बात भूल जाते हैं, बट अगर एक रिटर्न नोटिस दिया जाएगा और वो रिटर्न नोटिस उनकी नोटबुक में या डायरी में रख दिया जाए या स्टेपलर कर दिया जाएगा तो उनके पेरेंट्स वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और वो टाइम से लेने अपने बच्चों को स्कूल आ सकते हैं। क्लीनिनेस मतलब सफाई। तो ये जो अनाउंसमेंट है बच्चों इसको आप क्लास में कोई हेड बॉय, हेड गर्ल या कोई सीनियर टीचर आके भी ओरली अनाउंस कर सकता है, क्योंकि ये इंटरनल अनाउंसमेंट है कि आपको अपनी क्लास की साफ सफाई रखनी चाहिए और ये आप तुरंत कर सकते हो। थर्ड है स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन। इसको बच्चों दोनों तरीके से देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ओरली क्लास में आके हर कोई आपको अच्छे से समझाएगा तो आपको समझ में आएगा, और रिटन नोटिस दिया जाएगा तो बच्चों के जो भी पेरेंट्स होंगे, माता पिता होंगे, उनको पता चलेगा कि स्कूल में स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन है और वो अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं उस तरीके से प्रिपेयर करने के लिए। लॉस्ट एंड फाउंड खोया और पाया। तो बच्चों ये नोटिस भी बोथ होना चाहिए, रिटन और ओरल। ओरल में अगर असेंबली में या रिसेस के टाइम पे अगर ये अनाउंसमेंट करवा दी जाए कि किसी की खोई हुई की चेन मिली है तो उस बच्चे को वो इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी और वो अपनी की चेन जाके क्लर्क डिपार्टमेंट से ले सकता है। और रिटन में अगर रहेगा तो जो बच्चे रेगुलरली नोटिस पढ़ते हैं वो भी वो उसको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वार्निंग चेतावनी देना। तो ये बच्चों ये भी क्या होगा कि बोथ वे में होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना अनसेफ होता है तो बच्चों को समझाया भी जा सकता है मुंह से बोल के और उनको लिख के भी दिया जा सकता है। फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच का अनाउंसमेंट बच्चों ओरली भी हो सकता है, क्योंकि गेम से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स बच्चे कभी नहीं भूलते तो इसलिए उनको वो चीज़ याद रहे। क्वेश्चन नंबर 2 मेक ग्रुप्स। वन पर्सन इन द ग्रुप चूजेस एन अनाउंसमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है बच्चों कि आप एक ग्रुप बनाइए और एक पर्सन उस ग्रुप में से कोई भी एक अनाउंसमेंट चूज करेगा। एवरीवन इन द ग्रुप reads that announcement silently but carefully and close their books. Then that person presents the announcement, changing one of the detail in the announcement. Others spot the change. For example, you might say red key chain instead of blue in the last announcement. So, इसमें क्या करना है बच्चों कि एक person group में से कोई भी एक announcement को choose करेगा और फिर बाकी जो लोग हैं ग्रुप के वो क्या करेंगे उस अनाउंसमेंट को साइलेंटली मतलब चुपके से ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद अपनी बुक को क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद जो पर्सन
जो रिप्रेजेंट कर रहा है अनाउंसमेंट को पूरी क्लास के सामने, वो क्या करेगा कि उसमें की कोई भी एक चीज़ को चेंज कर देगा। जैसे कि अगर आप लास्ट अनाउंसमेंट देखोगे तो उसमें था कि ब्लू कलर की की चेन मिली है, तो वो प्रेजेंट करने वाला पर्सन ब्लू की जगह रेड कर सकता है। फिर जो ग्रुप के बाकी लोग हैं उन्हें वो चीज़ पहचाननी है कि वो उस पर्सन ने रेड लिखा है जो कि गलत है। उससे क्या होगा बच्चों कि आपकी जो लर्निंग हैबिट है और कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो इंक्रीज होगी। 3. मेक द ओकेजंस और रीजन फॉर विच ईच ऑफ द अनाउंसमेंट इज बीइंग मेड, देन थिंक ऑफ एन ओकेजन एंड प्रिपेयर अनाउंसमेंट फॉर इट एज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो पॉइंट 3 में बच्चों आपको क्या करना है कि आप कोई भी ओकेजन मीन्स अवसर या रीजन मीन्स वजह के ऊपर कोई भी एक अनाउंसमेंट बनाइए और फिर थिंक करिए, सोचिए कि जो भी ऊपर हमने अनाउंसमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग और एक ग्रुप एक्टिविटी करिए। हॉबी क्लासेस ड्यूरिंग समर वेकेशन विल बी कंडक्टेड इन द स्कूल कैंपस प्रीमिसेस फॉर क्लास 3rd, 4th, and 5th, डेट 15 May to 15 June 2020, एक्टिविटीज पेंटिंग डांसिंग एंड स्केटिंग, टाइम 9 AM to 11 AM, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 30th April। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट मिस्टर समीर सेन, कल्चर सेक्रेटरी। तो बच्चों इसमें क्या हुआ है कि एक हॉबी क्लासेस की अनाउंसमेंट बनाई है जिसमें ये बताया गया है कि जो समर गर्मियों की जो छुट्टी है उसके में क्लास 3rd, 4th, 5th के लिए एक हॉबी क्लासेस होंगी 15 May से लेके 15 जून 2020 तक, और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज सिखाई जाएंगी, पेंटिंग डांसिंग और स्केटिंग, और उसका टाइम होगा 9 AM to 11 AM, और लास्ट डेट है उसकी रजिस्ट्रेशन की 30th April। और जो भी पर्सन या जो भी बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो समर सिंह कल्चर सेक्रेटरी से जाके मिले। पॉइंट 4, एक्टिविटी प्रिपेयर एन अनाउंसमेंट फॉर एन ओकेजन लाइक द वंस मेंशन हियर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है कि आपको एक अनाउंसमेंट बनानी है वैसे ही अवसर से जैसे हमें ऊपर 6 अनाउंसमेंट दी गई थी। क्लीनिनेस सफाई, स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू मेंटेन क्लीनिनेस इन द स्कूल प्लेग्राउंड। तो बच्चों जो अनाउंसमेंट मैंने बनाई है वो सफाई पे बनाई है, क्योंकि जो लास्ट हमने 6 अनाउंसमेंट पढ़ी हैं उनमें से भी एक अनाउंसमेंट किस पे थी, सफाई पे, वो थी क्लास की सफाई पे, और जो अनाउंसमेंट मैंने बनाई है वो स्कूल प्लेग्राउंड की सफाई पे है। स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू मेंटेन क्लीनिनेस इन द स्कूल प्लेग्राउंड, तो उसमें लिखा है कि जो भी स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जो स्कूल का प्लेग्राउंड है उसको साफ रखें। एनीवन फाउंड थ्रोइंग प्लास्टिक बैग्स एंड अदर रैपर्स ऑन द प्लेग्राउंड विल बी पनिश्ड एंड फाइन। अगर कोई भी मिला, थ्रोइंग मीन्स फेंकना, कोई भी मिला ये फेंकते हुए प्लास्टिक बैग्स या रैपर्स स्कूल के प्लेग्राउंड में, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी और उसको फाइन भी देना पड़ेगा। काइंडली थ्रो द कैबेज इन द डस्टबिन प्लेस नियर द कैंटीन। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका कचरा है, कैबेज है, उसको आप डस्टबिन में फेंकिए जो कैंटीन के बगल में रखा गया है। चिल्ड्रन इफ यू हैव एनी डाउट और एनी कंसर्न रिलेटेड टू दिस चैप्टर काइंडली राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स। Also, subscribe, share, and like this channel. Thank you.